ओए मुन्ना जल्दी कर, ओए हमें गांव के लिए निकलना है। हाँ भैया, तुम गाड़ी निकालो, मैं सामान लेकर अभी आता हूँ। जैक जाकर अपनी गाड़ी निकालता है और तब तक ओगी भी सामान लेकर वहाँ आ जाता है। सामान गाड़ी में रखने के बाद वो दोनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोनों चीकू नगर में छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके अंदर एक खतरनाक चींटी कैद थी, जिसके बारे में ओगी और जैक नहीं जानते थे। कुछ घंटे सफर करने के बाद वो दोनों चीकू नगर पहुंच गए। ओए मुन्ना, आखिरकार हम चीकू नगर पहुंच ही गए। हाँ भैया, यहाँ हमें इन कॉकरोचेस से भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर वो दोनों गांव के अंदर चले गए। बिल्ले जिधर कॉकरोच गैंग उधर। ओगी और जैक ने वहां रहने के लिए कैंप लगा लिया, जबकि दूसरी तरफ कॉकरोचेस उन्हें तंग करने का प्लान बना रहे थे। टपलू और झपलू प्लानिंग कर रहे थे कि तभी पपलू को खाने की खुशबू आने लगी। वो खुशबू सूंघता हुआ कुएं तक जा पहुंचा। अचानक खुशबू गायब हो गई और वो कुएं में जा गिरा। झपलू उस खतरनाक चींटी के सामने जा गिरा। उस चींटी की रूह झपलू में चली गई और वो बड़ा और खतरनाक हो गया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा रे पापा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करके बताएं।